हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कढ़ाई जो कोई पॉट ले लेंगे, तो उसमें 2 चम्मच के करीब जो ऑयल है वो डाल देंगे। अब मैं उसमें 1 चम्मच के करीब जो जीरा है वो डाल रही हूँ, और साथ में मैंने 1 से 2 पिंच जो हींग है वो भी साथ में डाल दी है। अब 1 प्याज जो है उसको स्लाइस करके इसमें डाल देंगे, और प्याज अपनी मर्जी से आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब इसको हम लाइट पिंक होने तक जो है वो सौटे कर लेंगे। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। देखिए, लाइट पिंक हो गया है, तो इस टाइम पे हम जो मटर है वो 1/2 कप के करीब इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है, अगर आप चाहें तो फ्रेश वाले मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको सौटे कर देंगे, ताकि जो मटर है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, उसमें भी अच्छा सा एक टेस्ट है, वो कच्चापन जो है वो नहीं रहेगा और अच्छा सा टेस्ट जो है वो आ जाएगा। देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए। अब कुछ पाउडर स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 चम्मच के करीब हमने गरम मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे इसमें, और इसके अलावा 1/4 पिंच जो है वो मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई वो डाल दी है, और 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर था वो भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो टर्मरिक पाउडर या काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप कर दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने उसमें 1 गिलास के करीब जो चावल हैं वो डाल दिए हैं, बासमती चावल हैं, और मैंने इसको 1/2 घंटा पानी में भिगो लिया था। उसके बाद 2-3 पानी भिगो उसको धो लिया 2-3 पानी से, और उसके बाद इसको इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बॉयल वाले जो राइस है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुलाव है इसलिए हम इसी तरीके से राइस डाल रहे हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो जो चावल हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि हमने भिगो के रखे हैं ना, तो ऑलरेडी जो चावल हैं वो काफ़ी सारे सॉफ्ट हैं। तो देखिए, ये एकदम अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं, तो इस टाइम पे हमें इसमें गर्म पानी डालना है। अब 1 गिलास मेरे पास चावल थे जो मैंने लिए थे, तो 1 गिलास के करीब ही मैंने पानी गर्म इसमें डाल दिया है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे ना, इसलिए हम इतना ही पानी डालेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो उसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। तो इस टाइम पे हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको पकने देना है। बस एक ही बार चलाएंगे, बार बार उसमें जो स्पैटुला है वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि चावल जो है वो टूट सकते हैं। देखिए, बॉयल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गर्म पानी डाला है ना इसलिए, और इसको कवर कर देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब देखिए, 5 मिनट हो गए थे, तो मैंने लिड को हटाया और एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ। दोबारा कवर करेंगे और इसको हम ढक के फिर और 5 मिनट के लिए पका देंगे। अब 5 मिनट के बाद जो हमने चेक किया, तो राइस देखिए हम चेक कर रहे हैं, तो इस टाइम पे वो 80% के करीब कुक हो गई हैं। तो इस पे हम दोबारा लिड लगाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 5 मिनट के लिए हमें इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पकने देना है। अब 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे कि जो गैस है उसको बंद कर देंगे और उसको बिल्कुल दम पे रख देंगे, और जब हम उसको 15-20 मिनट बाद खोल के देखेंगे, तो राइस देखिए हमारे बिल्कुल 100% पक गए हैं और एकदम खिले खिले से बन गए हैं। इसमें ना ज़्यादा हमें कड़छी चलानी है, ना ज़्यादा स्पैटुला जो भी है आप लिडल यूज़ कर रहे हैं उसको चलाना है, और पानी भी गर्म यूज़ करना है, और उसके पकने का भी ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।